आज के वीडियो में मैं आपको 450 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ आपके प्राइम नंबर्स हुए। इसके बाद इसमें आपको टेबल्स आना ज़रूरी है। फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेस होती है, उसी तरह मैं 450 की भी 2 ब्रांचेस बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको लेफ्ट साइड आपका हमेशा प्राइम नंबर होगा, राइट साइड अगर आपका प्राइम नंबर आ जाता है तो वहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। तो 2 × 2 = 25, 450 हुआ, लेकिन राइट साइड अभी आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 3 × 75, 225 हुआ, राइट साइड अभी भी प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 3 × 25, 75 हुआ, राइट साइड अभी भी आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 5 × 5, 25 हुआ, राइट साइड अब आपका प्राइम नंबर आ गया है तो यहीं पे आपकी फैक्टर ट्री क्लोज हो गई। अब आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही है गलत। इसके लिए आपको लेफ्ट टू राइट चलना होगा। लेफ्ट टू राइट चलते टाइम आपको सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर ही मिलेंगे। इन प्राइम नंबर्स को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। तो 2 × 2 × 3 × 2 × 5 450 ही होगा। इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही, एंड 2 × 3 × 2 × 5 450 के प्राइम फैक्टर्स भी होंगे।